अच्छा बॉय, क्या नाम है इसका? शेमी। यहाँ जाना सेफ नहीं है, बहुत गंदा स्मेल है क्योंकि अंदर में चमगादड़ भरती है पूरे। बहुत सारे किलो में खुलती है। ऑलराइट पीपल, अपना ग्वालियर का स्टे हो गया है पूरा। एक रिग्रेट रहेगा कि हम लोगों ने फोर्ट नहीं देखा, मतलब बाहर से ही देख पाए, अंदर से हम लोग जाके विजिट नहीं कर पाए क्योंकि टाइम नहीं था। चलो धीरज भाई, तुम्हें फोर्ट घुमा ले आऊं। ओके सेज। इनसे मिलिए, इसका नाम है अवनीश शर्मा, ग्वालियर के देसी ब्राह्मण। इसे कब मिला, कैसे मिला, ये किसी और वीडियो में। आज करते हैं ग्वालियर के फोर्ट की। उरवाई गेट। अरे यार क्या व्यू है, रंग सारे प्राण मेरे, अंधियारी कारी रात कर दे तू भूलन की, उजियारी उजियारी जान मेरे प्राण मेरे, आगाज कर उन्वान दे अंजाम दे कुछ नाम दे इस गीत को पहचान। तुम्हें कैसा लगा? बढ़िया, रॉयल एनफील्ड का अलग मजा है चलाने का। मैं उसका वाइब्रेशन में भी मजा है। हाँ, उसका वाइब्रेशन नहीं होगा तब तो मजा ही नहीं आएगा। सर टिकट देखना, यहाँ पे चले गए। सास बहु वाला मंदिर है क्या? हाँ, 25 वाला लिया था। बाइक रख के आ रहा था। तो ठीक है, जब मैंने सास बहू का सोचा था तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होगा कि रानी और रानी गैर, ऐसा नहीं है। एक बड़ा टेंपल है और एक छोटा टेंपल है और इसीलिए इसका नाम सास बहू। ये ऐसा टेंपल मैंने खजुराहो में भी देखा। हाँ, ठीक है कि वहाँ पर जो आर्ट है वो कुछ थोड़ा ज्यादा एक्सप्लिसिट है। यहाँ पर आपको सटल आर्ट मिलेगा, जैसे कि वहाँ पर काफी, आप समझ चुके हैं, वो मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो सेंसिटिव रहेगा।
ये हम लोग सास वाले टेंपल में कि बहू वाले टेंपल में? यहाँ पे ओके ओके, यहाँ जाना सेफ नहीं है, बहुत गंदा स्मेल है क्योंकि अंदर में चमगादड़ भरती हैं पूरे, और एक्चुअली चमगादड़ यहाँ पे हर एक जगह भरती हैं। बैट का जो शिट का स्मेल होता है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, और टेंपल्स की दीवारों पे आप बैट सारे लटके हुए हैं। तो सास टेंपल से निकल के अब हम जा रहे हैं बहु टेंपल में। सास और बहू में बस साइज का ही डिफरेंस है, लेकिन टेंपल काफ़ी पुराना है, कुछ 1093 AD में ये टेंपल बना था। ये यूक्रेन जैसे सायरन बज। अरे यार ऐसे मत बोल यार, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ये, अच्छा वाओ, मतलब तो ये जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं हाँ उनके लिए। किसी भी व्यू से आप देख लो, हाँ जो यहाँ पे पिलर है हाँ वो एक डायरेक्शन में देखेंगे किसी भी व्यू से। ओके टेढ़े मेढ़े में दिखाई देंगे जैसे अभी भी मेरे यहाँ से। अच्छा ऐसे में भी सीधे देखो। ओ राइट, यानी कि अगर यहाँ से देखो तो आपको बाकी के दो पिलर से दिखेंगे। और फिर वहाँ से दरवाजे से बाहर आकर आप पानी वानी भर सकते हैं। हेलो बॉय, क्या नाम है इसका? सैमी। सैमी क्या भैया, आप यूट्यूबर हो? हाँ। राइट, सेकंड शॉट मोटो लॉगिंग कर दो। हाँ सेकेंड शॉट SHOT लव यू फॉरएवर। अच्छा अब ये बंद कर दिए मैंने, वैसे इसके बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता। राइट, ये सिर्फ और सिर्फ बहुत जो ऊपर के अधिकारी हैं सिर्फ उनको ही पता होगा। मेरे को पता है यार, गंदे ये लोग करके बैठे हैं यार, ऐसे ऐसे नहीं किया करो यार, कितना मुश्किल है पॉलिथिन बैग कैरी करना। हम आम लोगों को ही जागरूक होना पड़ता है, जबकि उन्होंने डस्टबिन बना के रखे। डस्टबिन यहाँ बना हुआ है तभी भी इतना गंद करके रखे लोग। सुसाइड पॉइंट। अच्छा ओ भाई साहब, सुसाइड पॉइंट। तो यहाँ पर सुसाइड हुए भी हैं कि बस नाम कर लियो?
कईयो अभी तो लेटेस्ट की करना है, कल ही एक आया था, आज न्यूज़पेपर में भी आई है। अच्छा, किसी दो प्रेमियों में झगड़ा हो गया तो वो किले पे छलांग लगाने आ गई। अबे यार गुजरी महल बना हुआ है। वो कौन सा महल है? गुजरी महल, वो जो एकदम टापू वहाँ पे एकदम कोने में, जो ऐसे अभी चलेंगे अपन उस साइड। अच्छा, और सुसाइड पॉइंट करने के लिए लोग यहाँ से टपक के जाते हैं? यहाँ नहीं टपकते, यहाँ से टपकते। हाँ, वहाँ से मतलब यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है ना, है ना, नीचे आ। अच्छा, तो मेरे को ये भी बता रहा था अवनीश की ये सबसे ऊंचा फोर्ट है। हाँ, पूरे और हिंदुस्तान का। और अवनीश के जो बड़े भाई हैं अमित, वो भी बता रहे थे कि ये एक ऐसा किला है जो आज तक कोई जीत ही नहीं पाया। अच्छा, हो गए तो डर के चले जाओ। यहाँ जो ग्वालियर के संगीतकार है, हाँ, तानसेन, उनका, अच्छा, उनका जो अकबर के नौ रत्नों में से थे, उनका भी उनकी भी यही नगरी है, संगीत नगरी, इसीलिए कहा जाता है इसको, इसको संगीत की नगरी कहा जाता है। हाँ, अच्छा, यहीं के थे तानसेन अपने ग्वालियर के। यहाँ तानसेन का मकबरा भी बना हुआ है नीचे तानसेन। अच्छा, नगर में। अच्छा, तो उनके नाम पे एक पूरा नगर है। अच्छा, यहीं के थे वो। तो जब अटैक होता था तो यहाँ से ही अटैक होता होगा। यहाँ नदी थी। अच्छा, यहाँ पे एक नदी हुआ करती थी, वही और लक्ष्मीबाई वाली जो मैं बताई ना, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा फाइनली ऐसी आती होगी। ये तो अभी आबादी बस गई है, पहले ऐसा नहीं हुआ हुआ, किले से छलांग मारी थी। अरे, लक्ष्मीबाई के घोड़े ने। अच्छा, अब देखना दीपावली पे। दीपावली पे मतलब यहाँ से जो व्यू नजर आता है, हाँ, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं आएगा नजारा। अच्छा, इतना अच्छा है। हाँ, तू बता, स्मार्ट ग्वालियर करके डालना आप। हाँ, हाँ, तो उसमें एक नंबर। यहाँ जो दीपावली पे फटाके नीचे से निकलते हैं ना ऊपर, रॉकेट वॉकेट, यहाँ से देखने का नजारा ही अलग। मैं बोल रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा नजारा, जैसा वो मूवियों में देखा ना आपने। हाँ हाँ हाँ, ऊपर एक्टर और एक्ट्रेस राइट राइट, वो प्रपोज कर रहा है और सेम वही इधर ही हो रहा है। महल भी काफी बड़ा है, बहुत गहरा नीचे, ये इतना नहीं है, नीचे गहरा है। अच्छा, काफी मतलब ये जो यहाँ पे हम लोग घास फूस देख रहे हैं वो काफी नहीं है, और भी नीचे है वो, इतने टिकट लगता है अंदर। अच्छा, और भूल भुलैया इसी के अंदर है। हाँ, इसी की बात कर रहा था मैं। अच्छा, देव नीलम और रामू जो भी हो तुम, ये बंद करो। अच्छा खासा वर्कआउट है यहाँ पर एक्चुअली। मॉर्निंग वॉक के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग डॉग्स को लेकर भी आते हैं। बट जो दिख रहा है कि जिस तरह गंदगी यहाँ पे फैला के लोग कोने कोने में गंदगी छुपा के जा रहे हैं, इट्स लाइक वो यहाँ पर आ ही रहे हैं गंदगी छुपाने के लिए, ऐसा कुछ हद तक लग रहा है। बट हाँ, अगर आप बाहर से देखें तो सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा और बहुत क्लीन है। अगर आपको इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना है तो टिकट के प्राइसेस कुछ ऐसे हैं, हमारे देसी इंडियंस के लिए 10, फॉरेनर्स के लिए है 250, फोटोग्राफी के लिए 25 और वीडियोग्राफी के लिए है 200, सुबह के 9 बजे से 5 बजे तक।
कटवा लेंगे जीने देंगे। अच्छा वहाँ से ऐसा भी है क्या कि पूरा एकदम नीचे खुल जाता है? वो भूल रही है बना। अच्छा भूल रही है वो? भूल लग गया आज पूरा। ये जो वीडियो बना रहे हैं रिकॉर्डिंग और भी गहराई में ऐसा ना हो कि जब तक अवनीश बाहर निकले तब तक उसके बच्चे बड़े हो जाए। बहुत सारे किलो में खुलती जा रही। अच्छा लटके होंगे अवनीश सोच समझ के जा भाई, मैं अभी बोल रहा हूँ सोच समझ के जा। घूम कर गया है कि नहीं गया? सच बताइयो क्या तू ये सब घुमा है कि नहीं घुमा है भाई साहब? आखिरकार सांस आ जाएगी। लिटरली फटने वाला एक्सपीरियंस है। अगर अकेले गए तो फिर फट के हाथ में आ जाएगी। दिन में क्या टेंशन निकलना है? हाँ। कोई लीड जा गई बड़े वाल वाली। अरे भाई आवाज करके आओ जिसको भी याद है। भाई साहब ये फ्लोर नहीं है, ये दिस इज अ प्रॉपर मेज, प्रॉपर मेज। तो अगर आप फोर्ट के अंदर जा रहे हैं मेक श्योर कोई एक्सपीरियंस इंसान को लेके जाइए, ठीक है? दोस्तों के साथ ही मत जाइए, मैं तो ये बोलूँगा। मैं अंदर जाने के बाद भगवान से बाबा बोल रहा हूँ अवनीश कहीं भागना मत, क्योंकि अगर अवनीश नहीं होता मेरे को वहाँ से निकलने में महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। वो गहराई पे जाता चला जाएगा। तो घबराएं तो बिल्कुल ही नहीं नीचे जाने के बाद, क्योंकि घबराओगे किसी से टकरा जाओगे आपके लग भी सकती है। क्योंकि छोटे मोटे दरवाजे हैं। तो जैसे बैंगलोर में यूलू चलता है वैसे ही ग्वालियर में याना चलता है। यहाँ से साइकिल उठाओ आराम से घूमते रहो, पूरे वॉक करो, मज़ा आ जाएगा। फोर्ट देख लेने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ग्वालियर आना सफल रहा, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है अवनीश को। थैंक्स अवनीश, ये ट्रिप उधार रहा, याद रखूंगा ग्वालियर को भी और तुझे भी। ग्वालियर के देसी ब्राह्मण।